और बात कांग्रेस की करते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव और फिर कई राज्यों में विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस की समस्याएं खत्म होती नजर नहीं आ रही हैं। जहां एक ओर राहुल गांधी की पार्टी की कमान सौंपने को लेकर तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में फूट के संकेत भी साफ तौर पर दिखने लगे हैं। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस में सत्ता संघर्ष जारी है। पार्टी संगठन में बदलाव की अटकलों के बीच कई नेता राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग कर रहे हैं। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह समेत कई नेता राहुल के पक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं। इन्हीं घटनाक्रमों के बीच अमरिंदर सिंह ने आज राहुल गांधी से मुलाकात की और कहा कि फैसला आलाकमान को करना है। अगर सोनिया जी आप हमारे सीपी आप चाहते हैं कि मैंने अब बेटन हैंडओवर करना है, देन वी मस्ट ऑनर हर डिसीजन। इन सब मांगों पर कांग्रेस का कहना है कि पार्टी कार्य समिति सारे फैसले लेगी। इसका निर्णय कांग्रेस कार्य समिति कांग्रेस नेतृत्व करते हैं। इसकी तिथि समय तरीका हम आपको सूचित करेंगे जब भी इस बारे में कांग्रेस नेतृत्व कोई भी निर्णय लेगा। राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलों पर भाजपा ने भी तंज कसा। बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने कहा कि इस फैसले से बीजेपी के कांग्रेस मुक्त संकल्प को और बल मिलेगा, साथ ही देश में बीजेपी को मजबूती मिलेगी। दूसरी ओर स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने से बीजेपी के अच्छे दिन आएंगे। बीजेपी ने राहुल की संभावित ताजपोशी से पहले ही उनको घेरना शुरू कर दिया है। उपाध्यक्ष रहते हुए जितना चुनाव हारे हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या जहां जहां कांग्रेस की सरकारें थी, एक भी सरकार को वो लौटा नहीं सके और कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ देश बढ़ रहा है, तो अगर वो इसका इनाम कांग्रेस उनको दे रही है तो जो भी चंद राज बचे हैं वहाँ भी कांग्रेस मुक्त भारत होगा। पहले राहुल गांधी जी के उपाध्यक्ष काल में हुआ था, अब उनके अध्यक्ष काल में हो जाएगा। कांग्रेस हाईकमान में बदलाव के संकेत के बाद कांग्रेस में एक बड़ी फूट की खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अजीत जोगी पार्टी छोड़कर नई पार्टी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। दबाव में हर श्रेणी के लोग हैं, कुछ विधायक भी हैं, कुछ पूर्व विधायक भी हैं, कुछ बड़े पदाधिकारी हैं, ज्यादातर गरीब वर्ग के लोग दबाव बना रहे हैं कि ये जो शोषण हो रहा है इन दोनों की मिलीभगत से, उससे हमको छुटकारा दिया जाए। 6 तारीख को सबसे चर्चा होगी, सिंबल क्या होना चाहिए, झंडा क्या होना चाहिए, पार्टी का नाम क्या होना चाहिए, ये सब चीजें उनसे सलाह ले लेंगे और उसके बाद तय करेंगे। अजीत जोगी के विद्रोह के बाद कांग्रेस ने उल्टे जोगी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे व्यक्ति को जो कि कांग्रेस के घोषित उम्मीदवारों का सौदा करोड़ों रुपए लेकर कर दे, उसका चले जाना ही कांग्रेस के लिए हितकर है। गौरतलब है कि अजीत जोगी लंबे समय से पार्टी में खुद की हैसियत कम होने के चलते नाराज चल रहे हैं और इस बीच राहुल गांधी से भी इनके संबंध बेहतर न होने की मीडिया रिपोर्ट्स आती रही हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस नेतृत्व में बदलाव की खबर और संगठन में फूट पर कांग्रेस मुश्किलों में घिरती नजर आ रही है। न्यूज़ 9 डेस्क, DD न्यूज़।